दोस्तों, मेरा नाम मिलिंद है और आज से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज के एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जो वाइडली यूज होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस का एक इनबिल्ट पैकेज है जो ऑफिस के साथ प्री इंस्टॉल आता है। अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भी बहुत सारे वर्जन है। ईयर वाइज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन उन्हें नए नए फीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस करता है। आपके सिस्टम में माइट बी ऑफिस का 2003 वर्जन हो या 2007 वर्जन हो, 2010 हो। लेटेस्ट वर्जन जो है 2013 इंट्रोड्यूस हुआ है, वो जो 2013 में आया था। तो हम ये ट्यूटोरियल सीरीज में 2013 जो लेटेस्ट वर्जन है वो यूज़ करने जा रहे हैं। इसके लिए वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर आप अपने कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइडर को बोल सकते हैं, वो आपको इंस्टॉल करके दे सकता है। वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेजेस में जो मोस्ट प्रोबेबली टेक्स्ट फाइल्स बनाने के लिए काम आएगा आपको, टेक्स्ट फाइल्स फॉर्मेटिंग के लिए। मीन्स टैक्स रिलेटेड जितना वर्क करना है आपको वो आप इसमें कर सकते हो। उसके अलावा जैसे आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है, दूसरी चीज़ें हैं जैसे कोई बुक फॉर्मेटिंग करना है, कोई नोटिस बनाना है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कोई फॉर्म बनाना है, बहुत सारी चीज़ें आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें आप बना सकते हो। पर उसके लिए आपको इसके सारे फीचर्स का आइडिया होना चाहिए। तो आज ये हमारा पहला वीडियो है, तो हम सबसे पहले इसका कोर स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके बहुत सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और उसके बाद से अगले वीडियोस में हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सटेंशन की जो फाइल्स बनाने के लिए हमें क्या करना होता है। पुराने जो वर्जन्स थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, उनमें एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट फाइल के लिए DOC बनता था। .doc से इंट्रोड्यूस होती है 97 से लेकर 2003 तक की जो फाइल्स हैं। जब से 2007 इंट्रोड्यूस हुआ है तब से फाइल फॉर्मेट या एक्सटेंशन जो है वो चेंज हो गया, उसका एक्सटेंशन हो गया है DOCX। तो जो लोअर एक्सटेंशन फाइल्स है वो आपको हायर एक्सटेंशन में सपोर्टिव होगी, लेकिन हायर एक्सटेंशन फाइल्स जो है वो लोअर एक्सटेंशन में सपोर्ट नहीं करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले फाइल क्रिएट करना, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए वो कैसे कर सकते हैं। सबसे ईजीएस्ट वे है, अगर आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो डेस्कटॉप पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए न्यू, उसके बाद सिलेक्ट कीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करेंगे उसको आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं, जैसे मैं अभी मेरा ही नाम दे देता हूँ मिलिंद। तो इसका एक्सटेंशन सेव हुआ मिलिंद.docx, राइट। अभी मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्क्रीन ओपन हो जाता है। ये 2013 जो वर्जन है उसका लुक है, शायद आपके पुराने वर्जन के लुक्स में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। पुराने जो 2003 वर्जन थे उनमें ओनली मेनूज आते थे, रिबन्स वगैरह नहीं होते थे। 2007 में भी अपीयरेंस कुछ और था, ये लेटेस्ट जो 2013 वर्जन है उसका अपीयरेंस है। तो हम एक एक चीज़ देखते हैं। ये जो फ्रंट पैनल है अबो पैनल, ये मेनूज हैं इसके, फाइल होम। फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, सारे दूसरे जो मेनूज हैं, दूसरे सब मेनूज उनके, वो सारे आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम एक्सेस कर सकते हैं। ये मेरे कोर डॉक्यूमेंट, अभी जो हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया उसका इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ देख सकता हूँ। मिलिंद डेस्कटॉप पे हमने बनाया है उसको, उसे अगर मैं प्रोटेक्ट करना चाहूँ तो प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इंस्पेक्ट करना है कोई इशू रिलेटेड तो वो कर सकता हूँ, मुझे वर्जन मैनेज करने, जैसा कि मैंने अभी बताया था कोई प्रीवियस वर्जन है इसी फाइल का मॉडिफाई किया मैंने, या कोई ओल्डर सिस्टम में बना हुआ वर्जन है तो वर्जन मेंटेनिंग के लिए भी इसमें फीचर दिया गया। प्रॉपर्टीज़ में उसका साइज़ कितना है, कितने पेजेस है, कितने वर्ड्स है, लास्ट कब एडिट हुआ था, टाइटल अगर मुझे कुछ देना है तो यहाँ से मैं दे सकता हूँ, जैसे मैं टाइटल दे रहा हूँ मिलिंद दे रहा हूँ,
टैग्स मीन्स कि मेरा जो ये वर्ड डॉक्यूमेंट है किसके रिलेटेड है, नियर फ्यूचर मुझे अगर सर्च करना पड़े तो टैग्स जो है, हम डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई भी टैग्स अगर हमें लिखना है या आइडेंटिफाई करना है डॉक्यूमेंट रिलेटेड, तो वो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेस्ट कमेंट्स, डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई कमेंट्स है या कुछ हमें उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो हमें याद रखना है तो वो हम लिख सकते हैं। क्रिएटिंग फॉर टेस्ट, ओके। अभी इसके रिलेटेड जो डेट्स है मीन्स डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है डेट्स की, वो यहाँ पे शुरू होती है। लास्ट मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट को लास्ट मॉडिफाई हुआ था, क्रिएट कब हुआ था, लास्ट प्रिंट कब किया था, उसके ऑथर कौन है, उसकी डिटेल्स होती है। उसके अलावा रिसेंटली हमने कहाँ से डॉक्यूमेंट ओपन किया है या उसकी स्टोरेज लोकेशन कहाँ है, और उसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो एक्सपांड करने पर मिलेगी शो ऑल प्रॉपर्टीज टैग को। उसके साथ में जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है वो है स्टेटस है, कैटेगरीज है, सब्जेक्ट, हाइपरलिंक, कंपनी, कोई कंपनी रिलेटेड अगर आप वर्क करते हैं कंपनी का नेम स्पेसिफाई करना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद सेव ऑप्शन ही है जो डॉक्यूमेंट में जो भी आपने वर्क किया है वो उसको सेव कर देता है। और उसके अलावा सेव इज ऑप्शन, आपके इसी डॉक्यूमेंट की कॉपी किसी दूसरे नाम से आपको सेव करनी है कहीं दूसरे प्लेस पर या सेव प्लेस पर, तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा प्रिंट, प्रिंटिंग रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है वो आप कर सकते हैं, कितनी कॉपीज आपको निकालनी है, कौन से प्रिंटर से निकालनी है, पूरे पेज निकालने हैं कि नहीं, कितने कोई सिलेक्टिव पेज निकालने हैं, उसकी पेज सेटिंग्स क्या है। और उसके अलावा शेयर का ऑप्शन है, शेयर का ऑप्शन जो है उसके थ्रू आप शेयरिंग कर सकते हैं इसी डॉक्यूमेंट की दूसरों के साथ, लाइक कोई दूसरे आपके कोई फ्रेंड्स हैं या कोई रिलेटिव हैं या आपके कोई सुपीरियर हैं या जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के कोई कलीग्स हैं उनके साथ आपको शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। इसको क्लाउड पे भी आप स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा ईमेल करना है ईमेल कर सकते हैं एज ए अटैचमेंट, सेव एज़ PDF कर सकते हैं, XPS में सेव कर सकते हैं, इसको इंटरनेट के थ्रू फैक्स भी कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंट करना है तो वो भी कर सकते हैं, पोस्ट करना है, आप ब्लॉगर हैं और आपको किसी ब्लॉगिंग वेबसाइट पर पोस्ट करना है या आपकी खुद की कोई वेबसाइट है जिस पर आप ब्लॉगिंग सर्विसेज यूज़ करते हैं या आपने इंस्टॉल की हुई है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, आपके इसी डॉक्यूमेंट को जो DOCX में बना है उसको किसी दूसरे एक्सटेंशन में दूसरे फॉर्मेटिंग में आकर आपको एक्सपोर्ट करना है तो वो कर सकते हैं। जैसे PDF क्रिएट करना है या उसका कोई डॉक्यूमेंट टाइप, जैसा कि मैंने अभी पहले बात की थी कि पुराने जो वर्जन होते हैं उनका एक्सटेंशन DOC आता है तो उसे कंफर्टेबल बनाने के लिए DOC डॉक्यूमेंट में आप कर सकते हैं। ODD जो ओपन सोर्स एडिटर्स होते हैं उनके एक्सटेंशन ODD होते हैं। टेम्पलेट मीन्स इसी डॉक्यूमेंट की जो फॉर्मेटिंग है आपको कंटिन्यूस अगले डॉक्यूमेंट्स में भी यूज़ करना है तो एज ए टेम्पलेट आप उसको सेव कर सकते हो। उसके बाद प्लेन टेक्स्ट में सेव करना है वो कर सकते हैं, RTF में कर सकते हैं, वेब के HTML फॉर्मेट में कर सकते हैं, और भी दूसरे बहुत सारे फॉर्मेट हैं आप यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा। उसके अलावा क्लोज ऑप्शन है तो क्लोज करने पर बंद हो जाएगा। अकाउंट रिलेटेड ऑप्शन है और वर्ड के जो ऑप्शन हैं तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। वर्ड के बहुत सारे सेटिंग रिलेटेड ऑप्शन होते हैं वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, ये जब हमें ज़रूरत होगी तब हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे ये रिबन्स के जो दूसरे मेनूज हैं वो कैसे वर्क करते हैं, उनके क्या यूजेस हैं, कौन कौन से और दूसरे फीचर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी चीज़ आप करते हैं, सेव करते हैं, सेव इज करते हैं, सेव नहीं हो पाता है, शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग नहीं हो पाता है, प्रिंट करते हैं, कोई भी इशू अगर है आपको क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो सेक्शन के वीडियो पार्ट में। उसके अलावा हमारा ईमेल एड्रेस है learnwithmilan@gmail.com, उस पर आपकी क्वेरीज हमें मेल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है या जो सीखना चाहते हैं। स्पेशली ये वीडियो सीरीज़ बनाने का हमारा मेन पर्पज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कुछ सीखना चाहते हैं और सीख नहीं पाते हैं वो कुछ सीखें और ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर कमेंट।